सुधाकर सिंह जी को इस तरह बयान देना है तो मैं ऐसे पार्टी के नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, कब उनको निकालेंगे? क्या वो दिन दिखा के निकालेंगे? सर के ऊपर से पानी गुजर रहा, उनको निर्णय लेना है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है उस समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, कभी विपक्ष के द्वारा तो कभी सत्ता पक्ष के द्वारा। खास करके बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने निशाने पर ले रखा है और लगातार वो सरकार के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं। आलोचना इतना कि हर योजनाओं खास करके कृषि विभाग के क्षेत्र में वो लगातार मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं और साफ तौर पर ये कहते नज़र आ रहे हैं कि पूरी योजनाएं ही बेकार है, सरकार किसान विरोधी है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मुख्यमंत्री से सवाल मांगती रही है। खास करके राजद को बड़ा भाई के रूप में बताती रही है, जो विपक्ष की लगातार बातें सामने आती रही है। हालांकि इस मामले पे राजद की तरफ से कई बार नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन जवाब क्या आया है, एक्शन क्या हुआ है, इस पर अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन इसी बीच जनता दल UKMLC संजय सिंह ने विधानमंडल सत्र से पहले साफ तौर पर कह दिया है कि इस तरह से मुख्यमंत्री पर लगातार सवाल उठाना कहीं से बर्दाश्त करने लायक नहीं है और ये जो बयानबाजी सुधाकर सिंह कर रहे हैं ये सरकार और महागठबंधन के लिए सही नहीं है और ज़रूर से ज़रूर इस पे कार्रवाई होना चाहिए। आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि ये बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, ज़रूर एक्शन होगा। तो संजय सिंह जदयू के MLC हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है सुधाकर सिंह मामले पे, वो पहले आप सुनिए। बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने काम किया उसको लोगों के बीच में रखना है और सबसे बड़ा मुद्दा है उपस्थिति अपना रखना। पूरे दल, जितने सातों दल के नेता है, सभी दल के नेता ने आह्वान किया, जितने विधायक हर दल के उनको उपस्थित रहना। सुधाकर सिंह काफी हमलावर है, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हटा करके देखिए राष्ट्रीय जनता दल का ये आंतरिक मामला है, लेकिन अगर सुधाकर सिंह जी को इस तरह बयान देना है तो मैं ऐसे पार्टी के नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, कब उनको निकालेंगे? क्या वो दिन दिखा के निकालेंगे? ये कब निकालना उनको काम है। राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्य है, सर के ऊपर से पानी गुजर रहा, उनको निर्णय लेना है। नोटिस मिल, नोटिस दिया गया, उसका जवाब भारतीय राष्ट्रीय जनता दल के नेता बताएंगे। तो आपने सुना कि संजय सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री पे वो लगातार हमला बोल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, ये अब बर्दाश्त करने लायक नहीं है, अब बर्दाश्त नहीं होगा। यानी कि इस बजट सत्र के बाद या कहें कि बजट सत्र के दौरान ही सुधाकर सिंह पर कुछ न कुछ कार्रवाई हो सकती है, जिस तरह से सत्ता पक्ष की तरफ से बयान आ रहे हैं। अब देखना होगा कि सुधाकर सिंह पर कब कार्रवाई होता है, अब कार्रवाई भी क्या होती है, या सिर्फ लीपापोती होता है या कार्रवाई किया जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।